हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एमका टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने अनबॉक्स करने जा रहा हूँ एक बोट कंपनी के एयरडॉप्स को, इन्हें आप नॉर्मली ईयरबड्स भी कहते हैं। दोस्तों, आजकल एयरडॉप्स यूज करना एकदम ट्रेंड बन गया। हर कोई एयरडॉप्स यूज करना चाहता है। हर किसी को एयरडॉप्स लगाने में काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है और हर कोई आजकल इस एयरडॉप्स का यूज करना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में इस लेटेस्ट एयरडॉप्स का एक अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या फीचर है, क्वालिटी कैसी है और इस एयरडॉप्स को हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें इस वाले ईयरबड्स के बॉक्स की, तो इसका बॉक्स का डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा है। ब्लैक और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में इसका बॉक्स काफ़ी प्रीमियम फील होता है। इसके सबसे ऊपर इसमें मेंशन है एयरडॉप्स 131, जो इसका मॉडल है वो इसके ऊपर बताया गया है। इसके नीचे लिखा है ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, यानी कि ट्रू वायरलेस ईयरबड्स है, ये तो हम सबको पता है। इसके साइड में से कुछ फीचर्स बताने की कोशिश की गई है। 13 mm ड्राइवर, जो ये ब्लूटूथ ईयरफोन है, इसमें जो ड्राइवर है 13 mm पर बेस्ड है। इसके नीचे एक चीज़ है फास्ट चार्जिंग, जो ये TWS ईयर का केस है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, यानी कि काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाता है। इसके नीचे एक चीज़ और लिखी है IWP टेक्नोलॉजी, ये कुछ टेक्नोलॉजी होती होगी, इसका मतलब तो मुझे भी पता नहीं है। अगर बात करें TWS के बॉक्स के बैक साइड की, तो इसमें हमें इसे कुछ दो तीन चीज़ें और बताने की कोशिश की गई है। जैसे ब्लूटूथ वर्जन 5.0, जो ये ब्लूटूथ ईयरबड्स हैं, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 पर वर्क करते हैं। टाइप सी इंटरफेस, जो ये ईयरबड्स है, इसके केस में हमें टाइप सी का इनपुट देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से हम इसको चार्ज करेंगे। सिंगल प्रेस वॉइस असिस्टेंट, इस वाले ईयरबड्स में हमें सिंगल प्रेस वॉइस असिस्टेंट का फीचर देखने को मिलता है। इसकी हेल्प से हम एक सिंगल प्रेस में इसमें वॉइस असिस्टेंट सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके नीचे हमें देखने को मिलता है टोटल प्लेबैक टाइम 15 घंटे। इसका जो प्लेबैक टाइम है इसके केस के साथ वो है 15 घंटे। अगर इसके केस को हम एक बार फुल चार्ज कर लेते हैं, तो हमें 15 घंटे तक का प्लेबैक टाइम हमें इसमें देखने को मिलता है। इसके जस्ट बगल में स्लिक डिजाइन, यानी कि जो इसका डिजाइन है एकदम बहुत सिंपल सा स्लिक डिजाइन हमें देखने को मिलने वाला है। इसके जस्ट बगल में 5 मिनट = 90 मिनट, यानी कि अगर 5 मिनट चार्ज करते हैं तो हमें इसमें 90 मिनट का प्लेबैक टाइम देखने को मिलता है। और अगर बात करें इस ईयरफोन के बॉक्स के नीचे के साइड की, तो इसका जो हमें प्राइस देखने को मिलता है वो है 2,990 रुपये। अगर आप इसे फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन खरीदते हैं तो वहाँ इसका प्राइस है 1,300 रुपये, और अगर आप इसे सेम प्रोडक्ट को अमेजन से खरीदते हैं, तो वहाँ मैंने इसका प्राइस चेक किया, वहाँ इसके प्राइस दिखा रहा था 1,490 रुपये। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे ऑफलाइन मार्केट, ऑनलाइन मार्केट कहीं से भी खरीद सकते हैं, ये दोनों जगह आपको बड़ी आसानी से मिल जाने वाला है। तो जल्दी से इसके बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे ऊपर हमें हमारा जो ये TWS ईयरफोन है, इसका केस देखने को मिलता है। इसके केस के अंदर ही हमारे जो मेन ईयरबड्स हैं वो होंगे। इस बॉक्स के अंदर हमें USB टू टाइप सी केबल देखने को मिलती है। इसके अलावा एक थर्माकोल की सीट है, इसके अंदर हमारा बॉक्स सेट रहता है। इसके नीचे कुछ कागजात हैं जिसमें इस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई गई है, जो इतने लंबे लंबे काफ़ी अच्छे हैं, माला बन सकती है इनकी। इसके नीचे एक और माला मिलती है। एक इसके नीचे इससे भी बड़ी किताब हमें मिलती है। अगर आपको बस खाली टाइम हो तो आप आराम से बैठ के इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके नीचे हमारा इसका एक मेन वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, एक और वारंटी कार्ड देखने को मिलता है, और सबसे नीचे हमें देखने को मिलता है एक स्टिकर। तो फाइनली जैसे हम इन ईयरफोन को अपने हाथ में पकड़ते हैं, तो जो हमें हाथ में पकड़ने में थोड़ा छोटे फील होते हैं, जो नॉर्मली TWS ईयरफोन के चार्जिंग केस का साइज़ होता है, ये उस साइज़ के हिसाब से थोड़ा छोटे हैं और हाथ में पकड़ने में थोड़ा छोटे छोटे फील होते हैं। इसके बाहर से एक रैपिंग सीट हमें देखने को मिलती है, जो इसमें प्रोटेक्शन ग्लेयर लगी है, इससे इसमें स्क्रैच नहीं आएंगे। अगर बात करें इन वाले ईयरबड्स की, तो इनका जो कलर है ब्लैक कलर है, ये ब्लैक कलर वाला डिज़ाइन मेरे पास है। जल्दी से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं जो इसके अंदर हमारे मेन ईयरफोन है, किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे ही हम इन ईयरबड्स को चार्जिंग केस से बाहर निकलते हैं, तो हाथ में पकड़ने में काफ़ी अच्छे फील होते हैं। इनका जो बहुत अच्छा चमकीला एकदम ग्लॉसी वाला डिज़ाइन है, हाथ में पकड़ने में काफ़ी अच्छा फील होता है, और इनका वेट भी काफ़ी कम है। जब इनको हमने कान में लगाएंगे, तो हमें जो लगता है कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने कान में कुछ लगाया है। ये एक ब्लैक कलर वाले ईयरबड्स मेरे पास है, जो हाथ में पकड़ने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर बात करें इनके साइज़ की, इनका साइज़ नॉर्मली थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है जो इसके अंदर इनकी बैटरी होगी, थोड़ा बड़ी बैटरी होने वाली है, इसकी वजह से इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन जो इनका वेट है काफ़ी कम है, और हाथ में पकड़ने में बहुत ईजीली फील होते हैं, काफ़ी हमें भारी भारी फील नहीं होते। मैं जल्दी से इसे कान में लगाता हूँ और देखता हूँ कि जब इसे कान में लगाते हैं तो कैसा फील होता है। जैसे मैं इन्हें अपने कानों में लगाता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं। ये ईयरबड्स में कोई रबड़ नहीं है, जिससे हम इनको अपने कान में लगाते हैं तो हमारे कान के बाहरी हिस्से में आसानी से अटक जाते हैं, तो हमें कोई भी वैक्यूम टाइट या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो भी बाहर की बात होती है हमें आसानी से सुनाई देती है। मैं जल्दी से इसे अपने फ़ोन से कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है।
जब हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए अपने फ़ोन में सर्च करते हैं तो AirDrops 131 नाम से हमें शो होता है, तो हमें इस वाले नाम से इन्हें कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद इसमें एक सॉन्ग प्ले करते हैं और देखते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तेरे संग जब मैं इन वाले AirDrops को अपने फ़ोन से कनेक्ट करके मैं कोई सॉन्ग प्ले करता हूँ तो जो सॉन्ग की क्वालिटी आती है काफ़ी अच्छी आती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर साउंड हमारे कानों तक पहुँचती है जो सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है। अगर बात करें इसके बेस की, इसकी जो बेस है नॉर्मल साउंड में जो हम इसको प्ले करते हैं तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जैसे ही हमने फ़ोन की वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो वहाँ पर इसका बेस का जो थोड़ा बेस का लेवल इसके साउंड के हिसाब से कम हो जाता है, उतनी अच्छा क्लियर बेस हमें सुनने में नहीं मिलता है। मैंने इन वाले ईयरबड्स का यूज करके अपने फ़ोन में गेम प्ले भी किया तो गेम प्ले भी काफ़ी सही था, जो इसकी लेटेंसी थी काफ़ी कम थी, तो इसमें हमें गेम खेलने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। जो साउंड हमारे फ़ोन में चल रही थी वो एक्यूरेट हमें हमारे कान में सुनाई दे रही थी, जिससे गेम खेलने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही थी। तो अगर आपको गेमिंग के पर्पज़ से ईयरबड्स खरीदने हैं तो आप इन वाले ईयरबड्स को बिना किसी परेशानी के बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, इससे गेमिंग करते समय आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जो ये दो हमारे मेन बड्स हैं इसके बैक साइड में हमें यहाँ पे एक बटन देखने को मिलता है, जब हम इस बटन को सिंगल प्रेस करते हैं तो जो हमारा सॉन्ग प्ले हो रहा होता है वो सॉन्ग पॉज हो जाता है, और अगर हम दोबारा उस बटन को प्रेस करते हैं जो हमारा सॉन्ग पॉज वाला सॉन्ग दोबारा प्ले आता है। यही काम हम इस बटन की हेल्प से इनकमिंग कॉल को रिसीव करने के लिए और कॉल को एंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हम इस बटन को थोड़ी देर तक प्रेस करके रखते हैं तो हमारे फ़ोन का जो वॉइस असिस्टेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हम अपने फ़ोन को छुए बिना पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारा जो इससे हमारा टाइम काफ़ी बचता है और इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। बहुत सारे ईयरबड्स ऐसे होते हैं जिनमें यहाँ पे टच वाले सेंसर दिए होते हैं, उनको टच करने से ही वो काम करते हैं। इससे ये होता है कि कभी हमारा जो हाथ है गलती से ईयरबड्स की तरफ जाता है और हम उसको छूते हैं तो जो हमारा सॉन्ग है वो पॉज हो जाता है, जिससे हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। जब ये बटन प्रेस होगा तभी ये काम करेगा, इससे हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, अननेसेसरी टच करने से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये इस वाले ईयरबड्स का एक बेस्ट फीचर है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आज से पहले मैंने बहुत सारे ईयरबड्स ट्राई किए हैं लेकिन मुझे उनमें ये फीचर नहीं दिखा, पहला ईयरबड्स था जिसमें मुझे फीचर दिखा और ये फीचर मुझे काफ़ी काम का लगा, तो इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। तो दोस्तों अगर फाइनली बात करें इस वाले ईयरबड्स के एक फर्स्ट इंप्रेशन की, जब आप इनको फर्स्ट टाइम पकड़ते हैं देखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे लगते हैं, आपको किसी भी तरह की शिकायत इनसे देखने को नहीं मिलती है, और जो इनकी साउंड क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। और अगर बात करें बोट की, अगर आप एक बोट का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको वहाँ पे हमेशा से एक अच्छी क्वालिटी मिलती है। बोट की एक खास बात यह रही कि बोट हमेशा क्वालिटी पर काफ़ी अच्छा ध्यान देता है, जो इसके साउंड वाली एसेसरीज है काफ़ी अच्छी हैं, जो इसके स्पीकर है नेक बैंड है या फिर TWS ईयरफोन है, इनकी क्वालिटी हमेशा से काफ़ी अच्छी रही है। और इन वाले ईयरबड्स में आपको एक साल की वारंटी भी देखने को मिलती है, यानी कि अगर ये एक साल से पहले ख़राब होते हैं तो आप इन्हें आसानी से किसी भी बोट के रिप्लेस सर्विस सेंटर में जाकर रिप्लेस करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने लिए एक TWS ईयरफोन ढूंढ रहे हैं, आपको ऐसे कोई TWS ईयरफोन खरीदना है तो आप इन वाले ईयरफोन को बिना किसी परेशानी के खरीद सकते हैं, आपको इसको खरीदने के बाद किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर बात करें इसके चार्जिंग केस है इसके डिज़ाइन की, तो काफ़ी स्लिम है, हाथ में पकड़ने में काफ़ी छोटा फील होता है, काफ़ी हैवी नहीं है, काफ़ी भारी भी नहीं है। अगर बात करें इसके बड्स की तो काफ़ी डिज़ाइन में काफ़ी अच्छे प्रीमियम डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। अगर आपको गेमिंग करनी है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, मूवी वगैरह देखने है, किसी कॉलिंग वगैरह करनी है, तो उन सभी चीज़ों में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो इसका 15 घंटे का बैटरी बैकअप है वो काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ है इसकी, आप इसको एक सिंगल चार्ज में काफ़ी टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है इस वाली वीडियो को देखने से आपको इस वाले ईयरबड्स के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो की हेल्प से आपको इसका एक फर्स्ट इंप्रेशन, इसके लुक, इसके वेट, इसके बैटरी बैकअप, इन चीज़ों के बारे में समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प ही होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप ऐसी वीडियो फ्यूचर में भी देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड बाय, जय हिंद।